मैं श्री बुटीक से हूँ, मैं यहाँ का मास्टर हूँ। आज हम बताएंगे आपको सूट कैसे कटता है, ठीक है? तो पहले हम सूट की लेंथ लेंगे, लंबाई, उसके बाद शोल्डर की नाप। ये शोल्डर का नाप हो गया, ये चेस्ट का नाप हो गया, ये आपकी कमर का नाप हो गया और ये आपका हिप का नाप हो गया, ठीक है? फिर उसके बाद हम निशान उठाएंगे इसमें, ये एक अरमोल का नाप है, फिर हल्का सा क्रॉस करेंगे इसको, ठीक है? फिर ये एक निशान ये उठाएंगे, दूसरा निशान ये उठाएंगे ऐसे, फिर आप ऐसे निशान लगाएंगे, फिर इसको यहाँ से हल्का ऐसे गोल करेंगे ये, फिर इसको हम ऐसे यहाँ से काटेंगे। फिर एक निशान यहाँ उठाएंगे हम ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है? फिर इसको एक कर दें, ये अस्तर है ना ये, तो इसको हम प्रेस करके बनाएंगे सीधा करके इसको। ये इसका है बैग का पोर्शन निकाल रहे हैं, ये इसको बैग ऐसे जमाएंगे। जो कॉलर वाला कुर्ता कटता है उसको जो एक इंच बैक बढ़ा के काटते हैं हम लोग ऐसे, ये फिर ये ऐसे काट दिया, ऐसे फिर इसको हम ये कमर पे निशान लगाए, इसमें हम बैग में प्लेट डालेंगे ताकि फिटिंग अच्छी सी आए। ये हो गई आपकी प्लेट बैग की। ये कपड़ा इसका सेम है, जो अस्तर वाला कपड़ा बनता है पहले अस्तर कटता है बाद में कपड़ा कटता है, सेम प्रेस से सीधा कर दिया बढ़िया। फिर जो हम अस्तर काटे थे वो इस पर जमाएंगे, ये फ्रंट है, तो फ्रंट की लंबाई हम इससे बढ़ा के रखेंगे थोड़ी सी। कुर्ते की लंबाई 43 है तो 43.5 रखेंगे, ठीक? ये फिर यहाँ से अस्तर हम जमा लेंगे इसको, इस तरह थोड़ा काट लेंगे ताकि जमाने में कोई दिक्कत ना हो। बैक पोर्शन, ये है इसका बैक पोर्शन ऐसे, काटने में आसानी रहे ऐसे, ऐसे हम इसको बढ़ा के काट देंगे ऐसे। जैसे कि सूट ये हम आपको हम बना के दिखाएंगे, जैसे कि बिजली से चलती है तो इसको हम पैर से पुश करेंगे यहाँ से डाला, इसमें लगा के नीचे लगा के इस तरह, ये हम अस्तर जमाएंगे इसमें ऐसे करके। ये एक निशान उठा लेंगे ऐसे, तो पहले हम इसको नीचे रखेंगे इस तक, इसका ये कपड़ा एक हम ऐसे ऊपर रखेंगे इसे, फिर ऐसे इस पर हम थोड़ी सी बड़ी सिलाई करके ऐसे लगाएंगे इसको ऐसे, ऐसे करके हम ऐसे करके हम सिलाई लगा लेंगे इस पर ताकि अस्तर इसी में ऐसे देखना है चारों तरफ बराबर है ऐसे। ऐसे लगा दिया इसको। हम इसी तरह दूसरे पल्ले को बैग भी जमाते हैं, ठीक है? तो बस ये आपका अस्तर जम गया, ये आपका बैग का पोर्शन भी तैयार हो गया आपका, ठीक है? अब इसको हम क्या करेंगे,
पहले तो इसमें गला बनाएंगे, गला बनाने के बाद इसको हम जोड़ देंगे इसमें, ठीक है। फिर ये सूट तैयार हो जाएगा आपका इस तरह। ये एक बकरम है पेपर फ्यूज, जो गले में पड़ता है, ठीक है। तो ये हम गला काटेंगे इसमें, गले की लंबाई है 8 इंच, तो इसको हम 8.5 इंच पे निशान लगाएंगे इसे। तो इसमें पोटली लगेंगे, पोटली। तो ये ऐसे हो गया, ये हम निशान लगा, ये निशान ऐसे है और फिर ये ऐसे ऐसे। तो ये हम गला काटेंगे, ये ऐसे रख के पहले हम ये यहाँ से ऐसे काटेंगे, फिर इसको यहाँ से गोल कर देंगे, फिर इस तरह से ऐसे। ये आपका गला कट गया, ठीक है। ये इस तरह का हम इसको प्रेस से हीट करके चिपकाएंगे इसको, ठीक है। ऐसे चिपक जाएगा पूरा। ये हम इसलिए चिपका रहे हैं इसको कि हम इसमें गला बनाएंगे, फिनिशिंग के साथ गला इसको बनाएंगे। ऐसे बराबर से काट लिया इसको, इसे ऐसे 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 तैयार कर लेंगे ऐसे। ये पोटली बन रही है, जो ये फॉर्म डालते हैं हम लोग, ये चीज़ डालते हैं इसमें कपड़े में, ऐसे लपेट के इसे ऐसे करके इसको ऐसे ऐसे इस तरह से करके फिर इसमें हम ऐसे करते हैं इसको, फिर ये चीज़ बन के तैयार होती है इसमें। ये इस तरह बना के फिर हम ये डिज़ाइन में उसमें लगाएंगे। ये पाइपिंग है, ये पाइपिंग ऐसे बनाएंगे हम लोग इस तरह से, इसको अंदर रख के इस तरह से, फिर इसको मशीन में लगा के ऐसे पाइपिंग बना देंगे इसको, ठीक है। ये गला आपका तैयार हो गया, पाइपिंग लग गई इसमें। अब इसको हम कपड़े में लगाएंगे इसको इस तरह से, ऐसे लगाएंगे इसको बराबर से। ये आपका गला बन गया है। तो इसको अब हम थोड़ा सा प्रेस लगा देंगे ताकि गला बड़ी अच्छी तरह से बैठ जाए इस तरह से, ऐसे इसको ये पोटली है। अब इसमें हम लगाएंगे पोटली इस तरह से, इस तरह से जो है ये पोटली लगेगी, ठीक है। ये आपका गला तैयार हो गया है, ठीक है। अब इसमें हम बैक पोर्शन अटैच करेंगे। ये आपका तैयार हो गया है, ठीक है। ये अब इसमें आस्तीन लगाना है और कॉलर चढ़ाना है, उसके बाद ये पीस तैयार हो जाएगा। ये आपका पीस बन गया है, ठीक है। अब इसमें हम प्रेस लगाएंगे, प्रेस लगा के इसको
रेडी करेंगे इसको, ठीक है, अच्छे से ये है, इस तरह से इसको हम प्रेस कर देंगे बड़े अच्छे तरीके से, इस तरह से रेडी कर देंगे इसको हम पीस। सेल्फ अंजलि, माय बुटीक श्री बुटीक, डिज़ाइनर सूट, डिज़ाइनर लहंगेज, डिज़ाइनर साड़ीज और डिज़ाइनर ड्रेसेस, देन ऑल वर्क। कॉटन फैब्रिक, सिल्क फैब्रिक, कैमरिक कॉटन, साटन, सिल्क, इसी तरीके के सारे प्रोडक्ट लेके हम सभी चीज़ का यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ पहले तो जब ये सूट स्टिच होने के लिए आता है तो सबसे पहले हम सूट क्लाइंट से जो भी हम डील करते हैं उससे पहले सूट लेते हैं, सूट के बाद उसी का मटेरियल लेते हैं, रॉ मटेरियल, जैसे उसका अस्तर हो गया और उसके लिए हम मैचिंग अस्तर लेते हैं, फिर उसको कटिंग की प्रोसेस शुरू की जाती है, पहले अस्तर को श्रिंक करते हैं, फिर उसकी कटिंग करते हैं, कटिंग के बाद वो स्टिच होता है, फिर हमें डिज़ाइनिंग के लिए उसमें उसका मटेरियल चाहिए होता है, डिज़ाइनिंग मटेरियल, और इसी तरीके से हमारा ये सूट पूरा रेडी हो जाता है। उसके बाद आयरन करके उसमें फिर लास्ट में हमारा हैंडवर्क का कुछ काम बचता है जो कि फिनिशिंग का काम, फिर बाद में हम उसको हैंडवर्क काम करते हैं, हैंडवर्क से मतलब फिनिशिंग देते हैं, फिर उसको आयरन करके फिर वो हमारा सूट तैयार हो जाता है, उसको हम हैंग कर देते हैं। ये हम जो बिजनेस है इसको हम बहुत छोटे स्केल से शुरू कर सकते हैं, इसके लिए हमें ज़्यादा लैंड की ज़रूरत नहीं होती है, हमें कुछ कम जगह पे भी हम इस बिज़नेस को डाल सकते हैं, बट जो मेरा बिज़नेस है वो 100 स्क्वायर फीट में होगा। देन सिलाई मशीन, मोटर मशीन, काज मटन मशीन, इंटरलॉक मशीन, इन सब चीज़ों की हमें यूज़ होता है और इन मशीनरी की हमें ज़रूरत होती है। हम एक मशीन से, जो भी हमारी मशीन होती है, मोटर मशीन या सिलाई मशीन, उससे हम 2 या 3 सूट्स या ड्रेसेस रेडी कर देते हैं पर डे। वैसे तो हमको इसमें 4 से 5 लोगों की ज़रूरत होती है, बट इस बिजनेस में हम 2 या 3 लोगों से भी स्टार्ट कर सकते हैं। कम से कम हमें इसमें रॉ मटेरियल की काफ़ी यूज़ होती है, जैसे कि हमें थ्रेड की ज़रूरत होगी, चाक की ज़रूरत होगी और बकरम की ज़रूरत होती है जिसमें कि हमें कॉलर में या नेक वगैरह बनने के लिए यूज़ किया जाता है। देन हमें बटन्स की ज़रूरत होगी जो भी रेडी स्टिच किए जाते हैं सूट्स या ब्लाउज़ उसमें स्टिच करने के लिए, और देन हुक की भी ज़रूरत किया जाता है, इसमें प्रयोग किया जाता है। इस बिजनेस के लिए हमको कोई लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती है, ये हम छोटे स्केल से कोई भी शुरू कर सकता है, बट नॉलेज होना ज़रूरी है, बस आपको आना चाहिए।